वेलकम टू द कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ एनालिसिस मॉडल। बेसिकली ये दो ही अप्रोचेस होती हैं, दो ही एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मॉडल को एनालाइज करने के लिए, किसी भी मॉडल की एनालिसिस करने के लिए। एक हमारे पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होता है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में हमारा जो मेन फोकस होता है मॉडलिंग का, वो हमारा डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उनके हम एट्रीब्यूट्स और रिलेशन डिफाइन करते हैं। फिर उनके अंदर हमारा प्रोसेसेस होते हैं और प्रोसेस के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा डिफाइन करते हैं थ्रू द सिस्टम्स। तो ये मीन होता है कि डाटा ऑब्जेक्ट्स मीन, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, आप एग्जांपल ले लें एम्बेडेड सिस्टम की, एम्बेडेड सिस्टम में आप टीवी रिमोट की एक एग्जाम्पल ले लें, तो टीवी रिमोट्स के डाटा ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसमें आप वॉल्यूम अप डाउन, चैनल्स फॉरवर्ड प्रीवियस, स्टॉप प्ले म्यूट वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये हमारे डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप डिफाइन करने, आई मीन आपका रिमोट के अंदर एक जंप का बटन होता है, उसका रिलेशनशिप प्रीवियस जो चैनल आपका होता है उसके साथ होता है। और इसी तरह जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके, वॉल्यूम चैनल म्यूट पॉज स्टॉप नेक्स्ट प्रीवियस, जितनी भी है 1 2 3 4 चैनल्स नेम वगैरह वगैरह, तो जितने भी उस डाटा के ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर हमारा एक प्रोसेस है कि वॉल्यूम अप करने का प्रोसेस क्या होगा, फोर वॉल्यूम डाउन का प्रोसेस क्या होगा, चैनल नेक्स्ट का प्रोसेस क्या होगा, म्यूट का प्रोसेस क्या होगा। तो वो सारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप वॉल्यूम अप कर रहे हैं तो डाटा मीन आपकी तरफ एक डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर्ड के अंदर हम इस तरह डाटा ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एक थोड़ी सी अलग अप्रोच है। इसमें हम फोकस हमारा होता है क्लासेस में, हम अपने जितनी भी चीज़ें हैं उसकी हम क्लासेस बनाते हैं हम, और फिर हम उसको कोलैबोरेट करवाते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल हम एक पर्सन क्लास लेते हैं, इंसान की रियल वर्ल्ड में अगर पर्सन क्लास लें तो पर्सन क्लास एक क्लास होगी, उसको हम दूसरों के साथ कोलैबोरेट करवाएंगे। पर्सन क्लास किस किस के साथ कोलैबोरेट करती है, वो आप कोई भी कार की क्लास लें उससे कोलैबोरेट, व्हीकल की क्लास ले लें, कोई एनिमल की क्लास ले लें, तो पर्सन क्लास जिससे भी कोलैबोरेट करेगी वो उसके वो कोलैबोरेशन में आएगी। और क्लास के भी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास के भी अपने फंक्शनैलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। और हम इसके लिए UML जो है वो इसकी डोमिनेंटली है, जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकस्ड है। तो UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज प्रॉपर डिफाइन ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की हुई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल देखेंगे UML के अंदर हम किस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस करते हैं। तो इसके दौरान, इन दोनों के समझने के दौरान अगर आपका कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग आप सो, थैंक यू।